157 वीडियो से ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं। इस चैनल की फर्स्ट वीडियो की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में ही 60 मिलियन व्यूज गेन किए हुए हैं और ऐसे में सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, हाउ। मिस्टर मिको का पहले भी एक चैनल था जिसमें ज्यादा रिस्पांस नहीं दिखाया, फिर मिस्टर मिको ने अपना दूसरा चैनल बनाया जिसमें फर्स्ट वीडियो में ही 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आए, कुछ ही दिनों में 5.41 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हुए। तो क्या आप भी मिस्टर मिको की तरह शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जब मैंने इसकी 100 से भी ज्यादा वीडियो देखी तो मुझे एक ही टॉपिक नजर आया और उसमें से 4 कैरेक्टर बाहर निकले, जिसमें से मिस्टर मिको का सबसे ज्यादा तीसरा पॉइंट फेवरेट है जो कि खुद पर्सनली यूज करता है और इसकी तीसरी पॉइंट सही ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, पेंटिंग्स जिससे हम रातों रात अमीर बन सकते हैं, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी हमारी पेंटिंग कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हमसे 10 गुना अच्छी पेंटिंग बस कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। अभी तो इसे हराना ही पड़ेगा। तो फिर ये है AI और यहाँ पे मैं। अब देखते हैं कि 60 सेकेंड में कौन एक अच्छी सीनरी बनाता है और इसमें तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि मुझे पेंटिंग के नाम पे ये एक ही चीज तो अच्छे से आती है। ये रही कुछ माउंटेन, यहाँ से एक नदी और कुछ पेड़। अरे वैसे तो मैं बहुत ही प्रो हूँ, बस टाइम कम है। और ये डन, देखा कितनी अच्छी पेंटिंग है मेरी। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ। इसमें मिस्टर मिको अपनी ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ खेलता है, लाइक खुशी से स्टार्ट करना, कुछ मोड पर आके दुखी हो जाना, फिर गुस्सा करना, देन जीत जाना। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में मिस्टर मिको बहुत जोश के साथ 1 इंच पंच लगाने की कोशिश करता है, बट उसके लिए उसके हाथों में पावर होनी चाहिए थी एक्साइटमेंट के साथ। फिर बंदा बहुत मेहनत करता है जिससे इस चैलेंज को कंप्लीट करे, एंड कभी दीवार पर तकिया रख कर प्रैक्टिस करता है तो कभी कुछ हैंड बैग लटका के प्रैक्टिस करता है। आज 4 डे हो गए, बहुत मेहनत करने के बाद बंदा बहुत ज्यादा थक गया। 5 डे चैलेंज को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है, पर ये क्या, बहुत ट्राई करने के बाद भी बंदा कुछ नहीं कर पाया, बंदा बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। लास्ट बार ट्राई करने के बाद फाइनली बंदा जीत जाता है, इससे डिसअपॉइंट इमोशन हैप्पीनेस में चेंज हो जाते हैं। मिस्टर मिको की सारी वीडियो में सेम पैटर्न है। वीडियो को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो स्टार्टअप में ही इमोशन क्रिएट करना पड़ता है जिससे ऑडियंस आगे देखने के लिए एक्साइटमेंट रहे कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 2, एडिटिंग फॉर एल्गोरिथम। मिस्टर मिको की जितनी भी वीडियो आपने देखी है 2 से 3 सेकंड से ज्यादा कोई भी इमेज नहीं है, ना कोई वीडियो क्लिप्स है। हर 3 सेकंड में कट, रोल, जूम इन, जूम आउट होता है। खासकर मिस्टर मिको अपनी वीडियो में ऑटो कैप्शन लगाता है जिससे ऑडियंस रिटेंशन बना रहे। मिस्टर मिको इतना स्मार्टली वर्क करता है कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर हुआ क्या था, एंड फिर से आप उसी वीडियो को रिटर्न देखते हो जिससे ऑडियंस रिटेंशन हाई हो जाता है। नंबर 3, कंटेंट आइडिया। आइडिया ही बुरा हो तो ऑडियंस रिटेंशन कहां से बढ़ेगी। इरेजर तो सबने यूज किया है पर खत्म किसी ने नहीं। फोन तो सबने चार्ज किया है पर आलू से नहीं। मोबाइल स्नैक गेम तो सभी ने खेला है पर कंप्लीट किसी ने नहीं किया। फिंगरप्रिंट से तो हर कोई मोबाइल को लॉक खोल सकता है पर लिपस्टिक से नहीं। क्या बकवास टाइटल है यार, कुछ भी नहीं है यार। पर हाँ, सबसे ज्यादा मसाला है लास्ट में। इरेजर तो सबने यूज किया है पर खत्म किसी ने नहीं किया है। ऑडियंस देखती है कि आज ये कैसे खत्म करेगा। फोन तो सबने चार्ज किया है पर आलू से नहीं। मोबाइल में स्नेक गेम तो सबने खेला है पर कंप्लीट किसी ने नहीं किया। फिंगरप्रिंट से तो हर कोई मोबाइल का लॉक खोल सकता है पर लिपस्टिक से नहीं। ऐसे में ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार लिपस्टिक से होता है क्या अनलॉक, देखते हैं कैसे अनलॉक करता है। नंबर 4, रेगुलर अपलोड। एक शॉर्ट वीडियो कितनी सेकंड की होती है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड। यूट्यूब शॉर्ट की डायरेक्शन इतनी कम होती है कि वो आसानी से शॉर्ट फीड में चली जाती है। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मिस्टर मिको हर दिन वीडियो कैसे अपलोड करता है। मुझे मिस्टर मिको का टाइमर तो नहीं पता, पर हाँ, प्रेपर इन एडवांस, एक पार्टिकुलर डे पर ढेर सारी वीडियो रिकॉर्ड करना जो तुमने एडवांस में ही स्क्रिप्ट प्रेपर करके रखी हो। अगर आप मिस्टर मिको की चैनल पर जाके देखोगे कि सेम टी शर्ट पर 3 से 4 वीडियो अपलोड होती है तो इसका यही मतलब होता है कि जब मिस्टर मिको वीडियो को रिकॉर्ड करता है तो एक नहीं बल्कि 3 से 4 वीडियो रिकॉर्ड करता है जो एडवांस में स्क्रिप्ट प्रेपर की होती है, जो कि ये तीनों चैनल अपनी फर्स्ट वीडियो से ही वायरल हुई है। हाउ, जानने के लिए अभी थंबनेल पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।